कुणीही माज करतो, आपण बघतोय ना चिलटं उंदरं मांजरं सुद्धा माज करतात सत्ता असल्यावर. सत्ता नसल्यावर जो टिकतो हिमतीने उभा राहतो आपल्या उद्धव साहेब ठाकरेंसारखे. असं ठाकरे बाणा ताट कणा असे असलेले आपले शिवसेना प्रमुख कुठे, आणि भाजपच्या तालावर नाचणारे डुप्लिकेट शिवसेना प्रमुख कुठे? काय बरोबरी कधी होऊ शकते का? हा, त्यांच्या पुढे माईक काढून घेतला तरी त्यांना काय वाटत नाही. आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. राजन विचारांना मत द्या, मशाल चिन्हासमोरचं बटन दाबा आणि ही हुकुमशाही व्यवस्था बदलून टाका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तकलीफ नहीं होगी इन लोगों ने, इन गद्दारों ने कितना दंड दिया होगा, पर वो सारी चीजें एक तरफ रखकर राजन विचारी जी लड़ाई लड़ रहे हैं. और जैसे भास्कर यादव जी ने कहा, ये विचार की लड़ाई है, ये हमारे संविधान की लड़ाई है, ये महामाना भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लड़ाई है, ये बाला साहेब ठाकरे जी की लड़ाई है, ये लड़ाई उद्धव साहेब ठाकरे जी के लिए है. और ये जो आज 20 तारीख को आप मतदान देने जाएंगे, ये राजन विचारे जी जो इनको जो विजयी बनाना है, आप उनको तो विजयी बनाएंगे, पर गेट आउट आप करेंगे उन लोगों को जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों के साथ सहमत नहीं है. आप गेट आउट करोगे उन लोगों को जो कहते हैं हमें 400 से ज्यादा सीट दीजिए, हमें संविधान बदलना है. आप गेट आउट करोगे उन लोगों को जो गद्दारी करते हैं महाराष्ट्र के साथ. आप गेट आउट करोगे ऐसे लोगों को जो सिर्फ पैसों के बल पे सिर्फ अमीरों को अमीर बनाते हैं, गरीबों को गरीब रखते हैं. आप उनको गेट आउट करने का काम करोगे. इसलिए आप लोगों को 20 तारीख को जाकर वोट देना है. लास्ट में एक चीज कहूंगी, उन्होंने कहा, भास्कर यादव जी ने कहा कि मोदी की गारंटी क्या है. मैं आपको समझाती हूँ 2 मिनट में मोदी जी की गारंटी क्या है. मोदी जी की गारंटी वो है, मैं बोलूं? अच्छा चलिए. मोदी जी की गारंटी ये है, आपने कभी चाइनीज खिलौना खरीदा है? सस्ते में आता है, आपको अच्छा लगता है, आप खरीद लेते हैं और 2 घंटे बाद वो चलना बंद हो जाता है. ऐसी वो मोदी गारंटी है. आपसे वोट ले लेते हैं और वोट मांगने के बाद कहते थे हमने तो जुमला था, चुनावी जुमला था, हमें तो चुनाव जीतना था. आप ये बताइए इन्होंने क्या क्या जुमले आपको दिए. महंगाई खत्म करेंगे, क्या कहा था, अब को भर भर के पैसा आता है, काला धन आता है राहुल गांधी जी के पास. और किससे आता है? अडानी और अंबानी से. अरे आप अपने 6 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना, अडानी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो बच्चा बोलेगा मोदी जी. और मोदी जी से कहेंगे, पूछेंगे मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, अडानी जी. और अब कहते हैं वो पैसे भर भर के टेम्पो में आते हैं, शायद टेम्पो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते हैं. इसलिए आज आप सबको गरीब बना रहे हो, अपने आप को अमीर बना रहे हो. और कहते हैं कि हम काला धन है. अरे काला धन भाई साहब, आपने तो कहा था नोटबंदी के बाद काला धन नहीं होगा, तो ये काला धन कहां से आए भाई साहब? और अगर काला धन आ भी गया, चलिए हमारे मोदी जी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करते हैं,